फाइव वेज टू मेक मनी विथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहली चीज होगी डी एस ए दूसरे ऐप डेव वेब डेव आजकल ए आई का बहुत शोर है तो ए आई और ब्लॉक चैन डेवलपमेंट देखते हैं कि इन पाँचों में से कैसे पैसे कमा सकते हैं ऑप्शन वन मोस्ट कंपनीज़ के इंटरव्यूज का बेस्ड ऑन डेटा स्टक्चर एंड एल्गोरथम्स तो तुम अगर डेटा स्टक्चर्स एंड एल्गोरथम्स प्रिपेयर कर लो गए तो मैक्समम कंपनीज के इंटरव्यूज़ पर बेस्ड होते हैं तो यू कैन अपलाई फॉर दोज इसके अंदर मैक्सिमम चांस ऑफ गेटिंग हायर्ड है और इससे तुम्हें डिसेंट पैकेज मिल सकता है पर बात यह है कि इसे यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर जॉब्स इसका अगर तुम इंडस्ट्री में कुछ लेके जाओगे कि इससे तुम कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आई डोट थिंक को इसका ज़्यादा यूज मिलेगा यू कैन जस्ट गेट अ जॉब एट एनी मैंग कंपनी या फिर और भी इवन देर आर समच जस्ट रिलाई ऑन डेटा थम्स टाइम रिक्वायर्ड कितना है डी एस ए सीखने के लिए तो सच सच बोलो तो छः महीने के अंदर तुम डिसेंट लेवल का डी एस ए सीख सकते हो बट पॉइंट ये कि सही तरीके से कर रहे हो बेसिकली तुम क्वेश्चंस कर रहे हो अब कैसे सीखोगे उसके लिए दो ही चीज़ें करनी है कि लीड कोड करो और इंटरव्यूज़ दो ये दो चीज़ें हैं अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो वीडियोज देखने में और पढ़ने में कुछ चीज़ें हैं तो तुम्हारा छः महीने में नहीं हो पाएगा छः महीने में अगर किसी चीज़ को करना है तो तुम्हें हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन को एक्चुअली में करने में दूसरा ऑप्शन है ऐप डेवलपमेंट मोस्टली तुम्हें जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्टार्टअप्स मिलेंगी स्पेसिफिक स्टार्टअप्स जो कि स्पेसिफिकली एप डेवलपर्स को हायर करना चाह रहे हैं इसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए एंड्रॉयड आना चाहिए बेसिकली एंड्रॉड डेवलपमेंट आनी चाहिए तो इसके लिए स्पेसिफ़िक स्किल इज एंड्रॉड डेवलपमेंट अब हाउ टू गेट हायर विद एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो इसके लिए क्या कर सकते हो तुम क्रिएट प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन लर्न इट डिस वे ऑल्सो तो बेसिकली क्या करो कि तुम सीख रहे हो उस टाइम पर प्रोजेक्ट्स बनाने क्रिएट करो गिटअप पर डालो एंड डू बेसिकली बिल्ड इन पब्लिक अपना जो भी तुमने बनाया उसके बारे में अच्छे से यू आई बनाओ और उसको डालो लिंगडिन पे ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे एंड मल्टीपल पीपल यू कैन रीच आउट टू यू सींग यर डेवलपमेंट स्किल्स और जिसको भी आप डेवलपर की जरूरत होगी दे कैन रीच आउट टू यू अब इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना है अब डेवलपमेंट में देर इज अर लॉड ऑफ थिंग्स यू कैन कवर बट बेसिकली तुम्हें अगर बेसिक्स पता चल गए तो आई थिंक तुम तुम्हें एक सिंपल सी एक ऐप बना सकते हो और लाइक शो कर सकते हो जिससे तुम्हें अगर कोई जॉब मिल जाए तो तुम जॉब के साथ साथ सीख सकते हो तो इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड इज़ वेरी लेस लाइक इवन इन वन मंथ यू कैन बी अप टू स्पीड विद मेकिंग अ बेसिक ऐप एंड अपलाइंग टू कंपनीज़ तीसरा है ऑप्शन नंबर थ्री विच इज़ वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट का भी टाइम सेम है जैसे हमने ऐप डेवलपमेंट की बात करी एक महीने के अंदर तुम बेसिक चीज़ें सीख सकते हो जावा सीख सकते हो नोइंग दैट तुम्हें एटलीस्ट कोई लैंग्वेज पहले से पता है तो तुम बेसिक्स एक लैंग्वेज नहीं सीखना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता तो फ्रंट एंड के लिए तुम तुमने सपोज यार्ड सीख ली एंड के लिए नोट जैसे सीख ली तो मोस्टली स्टार्टअप्स के अंदर तुम अप्लाई कर सकते हो यूजिंग योर प्रोजेक्ट्स अब इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल इसके अंदर भी डिसेंट है तुम इजीली पैसे कमा सकते हो बट बात यह है कि एज कम्पेयर टू डी एस ए बहुत एप डेवलपमेंट है वेब डेवलपमेंट दे हैवन एडवान्टेज विच इज़ दैट यू कैन डू फ्री लेंसिंग अब बात बस ये रह जाती है कि फ्री लैसिंग करे कैसे बहुत लोग बोलते रहते हैं डू फ्री लेंसिंग रिमोट वर्क बट करेंगे कैसे फ्री लेंसिंग अगर तुम सोचोगे कि बेसिक वेबसाइट्स पर चले जाओगे जितनी भी हैं फ्री लेंसर डॉट कॉम हो गई या फिर अपवर्क हो गई तो उसके अंदर तुम्हें इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाती है इट इज़ वेरी टफ कि तुम्हें कोई सिलेक्ट करेगा अनलेस कि तुम्हारा कोई गिठअप प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है तो दैट कम्स ब्रिंग्स अस टू अ पॉइंट कि फ्री लैंसिंग करे कैसे फ्री लेंसिंग में अर्निंग पोटेंशियल ह्यूज है बट देर इज नो सिक्योरिटी तो देर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व तो उसके अंदर अब दो तरीके से तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो फर्स्ट थिंग तुम स्टार्ट कर दो ओपन सोर्स तो गुड कंपनीज़ की ओपन सोर्स डिपॉजिटरीज है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करो उससे क्या होगा कि ऐसे जैसे जैसे तुम कंट्रीब्यूट करोगे कंपनीज तुमको रीच आउट करेंगी कि ये बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दे कैन हायर यू बट इसके अंदर इश्यूज हैं बहुत सारे मुझे मुझे दिखते हैं कि रिपोजिटरीज़ कैसे ढूंढने मतलब तुम पूरा पूरा दिन निकाल दोगे ढूंढने में कि कौन सी रिपोजिट्री ऐसी है कि जिसमें एटलीस्ट कोई ढंग के इशू हैं जो तुम रिजॉल्व कर सकते हो कुछ कोड उसमें लिखना है मोस्टली मैंने जितना भी देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स सम आर लाइक कॉन्फिग्रेशन चेंजेस जिसमें कुछ ज़्यादा कोड नहीं लिखना होता है. तो कहने को तो तुम्हारी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बट उस कॉन्ट्रीब्यूशन का कुछ क्या मतलब है और क्या है मतलब जो बहुत फेमस डिपॉजिटरीज हैं जो अच्छी कंपनीज की हैं उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तुम्हारे कॉम्पिटिशन में हैं तो

तुमने अगर कोई बनाई है कुछ अपना यूनिक बनाने की कोशिश करो और पुट पुट इट इन पब्लिक पीपल विल ट्राई टू रीच आउट टू यू कि हमको भी ये चाहिए लाइक कैन यू बिल्ड दिस फॉर अस एंड दिस इज अ ग्रेट वे टू एक्चुअली रीच आउट मतलब लेट पीपल रीच आउट टू यू इन ऑफ यू रीचिंग आउट टू दैम एंड इट इज़ अ बेटर वे टू डू फ्री लैंसिंग आई बिलीव रादर दैन गोइंग ऑन दीज वेबसाइट्स अब आते हैं ऑप्शन फोर पे ए आई आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अब आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है बट ए आई में तुम करोगे क्या ए आई में दो चीज़ें कर सकते हो या तो बिल्ड ए आई या फिर यूज़ ए आई टू बिल्ड एप्स बिल्ड ए आई भी हम बाद में आते हैं पहले हम बात करते हैं यूज़ ए आई टू बिल्ड एप्स इसके अंदर क्या बेसिकली तुम्हारा ए आई का तो कुछ यूज नहीं होगा मतलब बस ए पी आई कॉल्स होंगी बेसिकली टू डिफरेंट ए आई मॉडल्स एल एल एम मॉडल्स जो हैं बट यू कैन बिल्ड एप्स विच कैन बी यूजफुल फॉर पीपल फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये ऐप है विच बेसिकली कन्वर्ट्स अ बेसिक इमेज टू अ प्रोफेशनल फोटो अब लोगों को काफ़ी को प्रोफेशनल फोटो चाहिए होती है अपने लिंकड पर लगाने के लिए तो उसके लिए दिस अ ऐप विच कन्वर्ट्स योर बेसिक इमेज जैसे अगर मैं अभी अपनी फोटो खींच के उस पर डाल दूँ तो कोट और टाईल लगा के इट विल गिव मी प्रोफेशनल इमेज द अदर थिंग इज ए आई डबिंग दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्पल्पल दिस इज नॉट द ओनली एग्ज़ाम्पल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ए आई डबिंग में क्या है कि अब जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं हु वॉन्ट देर वीडियो टू बब इन डिफरेंट फॉर पर मिस्टर बीस्ट उसका अपना एक इंग्लिश चैनल है हिंदी चैनल है देर इज़ अ स्पेनिश चैनल अब फॉर एवरी वीडियो उनको या तो कोई प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा जो डब करेगा इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज तो वो करने की बजाय देर इज़ नाउ दिस ए आई जो कि तुम्हारे लिए ये डबिंग करके देगा तो दिस कैन बी योर साइड हसल ऑल्सो यू कैन बिल्ड दिस साइड प्रोजेक्ट्स एंड लाइक जस्ट इट आउट इन द पब्लिक एंड इफ पीपल यूज़ इट देन इट कैन बिकम वेरी बिग ऑल्सो बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डू विद ए आई नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टॉपिक विच वॉज बिल्ड ए आई अब बिल्डिंग ए आई का क्या मतलब बिल्डिंग ए का मतलब है कि तुम एक्चुअली में मॉडल्स बना रहे हो जो कि सम यूजफुल हो सकते हैं और डिफरेंट कंपनीज उनको यूज़ कर सकती हैं बेसिकली प्रॉपर रिसर्च के अंदर हो तो इसकेस में तुम्हें या तो रिसर्च करो बहुत ज़्यादा उसके लिए डिफरेंट प्रोफेसर्स को रीच आउट कर सकते हो इफ़ यू आर इन इंडिया यू कैन रीच आउट टू आई आई प्रोफेसर्स इवन इफ यू आर नॉट इफ़ इन इफ यू आर इन इंडिया यू कैन रीच आउट टू समस प्रोफेसर्स फ्राम कॉलेजेस लाइक स्टैनफर्ड सी एम यू समाइम्स दे हायर

एज अ रिमोट रिसर्च ज्वाइन कर सकते हो लाइक स्टैनफर्ड और सी एम यू द अदर पार्थ इन दिस इज कि तुम पहले एम एस करो फिर पी एच डी करो अगर तुम सोचोगे सिर्फ एम एस करके तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो तो कर सकते हो बट इट्स वेरी टफ बिकॉज फॉर एवरी एम एस पसन देर विल बी अ पी एच डी पर्सन हु विल हैव मच मोर नॉलेज एंड एवरी वन विल ट्राई टू हायर अ पी एच डी पर्सन देन एस तो जितने भी तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द बिगर कंपनीज के जितने भी ये रिसर्चर्स हैं दे मोस्टली हैव अ पी एच डी और इधर हैव बिन विद द कंपनी फॉर मोर देन लाइक फिफ्टीन ईयर्स कमिंग टू द ऑप्शन फाइव विच इज़ ब्लॉक चेन डेवलपमेंट अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फर्स्ट एडवांटेज कॉम्पिटिशन लेस है बहुत कम लोग हैं जिनको ब्लॉक चेन डेवलपमेंट आती है बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कुछ कुछ भी पता है ब्लॉक चेन डेवलपमेंट के बारे में मोस्टली लोगों को कुछ भी नहीं पता ब्लॉक चैन डेवलपमेंट के बारे में हाउ वेब थ्री वर्कस नो वन नोज एनीथिंग उसके बाद इसका अर्निंग पोटेंशियल इज़ वेरी हाई बिकॉज क्योंकि कम ही लोगों को आता है दे कैन चार्ज वेरी हाई फीस पर बात यह है कि इसकी अपॉर्चुनिटीज भी लेस है देर आर वेरी लेस कंपनीज हु आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन ब्लॉक चेन डेवलपमेंट राइट नाउ नॉट वेरी लेस बट लेस एज कम्पेयर टू द अदर कंपनीज ऑफ द अदर ऑप्शन विच वी डिस्कस राइट नाउ तो उसके कंपेरिजन में अपॉर्चुनिटीज़ लेस हैं अब इसकी बात करते हैं टाइम टू मनी कितना टाइम लगेगा ये सीखने में तो सिमिलर टू वेब डेवलपमेंट एप डेवलपमेंट यू कैन स्पेंड लाइक टू मंथ्स इन दिस और टू मंथ्स के बाद यू कैन शो स्टार्ट शो केसिंग इट एंड इवन ड्यूरिंग द टू मंथ्स यू कैन कीप ऑन शो केसिंग एंड इन इस टू मंथ्स में मोस्टली इफ यू आर डूइंग योर जॉब वेल डूइंग गुड थिंग्स सम वन विल रीच आउट टू यू फॉर डेवलपमेंट इनिशियली पॉसिबल दैट द मनी इज लेस बट स्टिल यू विेट सम अपॉर्चुनिटी सो द बेस्ट वेज टू बिल्ड इन पब्लिक अब ब्लॉक चेन डेवलपमेंट का अगर कंप्लीट रोडमैप चाहिए तो आई एम गोइंग टू डू अ पॉडकास्ट विच इज गोइंग टू अपीयर वरी सोन सो वॉच दैट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो And if you know any other ways, comment me batao and I'll see you in the next one.